हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, ये जो वीडियो है, इस वीडियो पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 9th अक्टूबर टू 15th अक्टूबर 2023। सो आपको ये भी पता है कि व्हाट आई डू इज आई डिवाइड द न्यूज़ इन 6 डिफरेंट हेड्स, राइट? फॉर बैंकिंग एग्जाम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस सेक्शन और इस सेक्शन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो, बिकॉज देखो इम्पॉर्टेंट तो हर सेक्शन है, राइट? मतलब दिस इज़ वन थिंग आई रिपीट इन एवरी वीडियो, इम्पॉर्टेंट तो हर सेक्शन है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे देना है, राइट? बिकॉज देखो किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आता है ना, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में मेजरली जो क्वेश्चन है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से आता है एंड सम मिसलेनियस न्यूज़। सो आई हैव डिवाइडेड इट इन सच ए वे कि आप हाई प्रायोरिटी में ये दो सेक्शन को करो, थर्ड प्रायोरिटी इज़ ऑन दिस, फोर्थ प्रायोरिटी डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एक साथ रखूँगा, क्योंकि डिफेंस एक सवाल, स्पोर्ट्स एक सवाल, इट इज़ एक या दो सवाल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि कौन से एग्ज़ाम में कितना। किसी एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आता है, किसी में 30 आता है, किसी में 50 आता है, किसी में 80 आता है, राइट? सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट फैक्टर, बट ए बिग पोर्शन इज़ फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। आई होप आई एम क्लियर। तो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सेक्शन, दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। देखो इसमें जो पहला न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो है, रिजर्व बैंक ने अभी एक जो उनका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, राइट, इसको एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड किसे किया है? गवर्नमेंट ओन्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अच्छे से समझो, गवर्नमेंट ओन, ये उन NBFCs को लागू होगा जो सरकारी है, गैर सरकारी। मतलब इफ़ एन NBFC इज़ ए प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनी से है, तो उस पर लागू नहीं होगा, राइट? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, राइट, REC, IRFC, IFCI, ये सारे कंपनीज इससे प्रभावित होंगे। तो इसका जो डिटेल गाइडलाइंस है ना, ये RBI आने वाले दिनों में लेके आएगा, राइट? तो अक्टूबर 2024 से ये होने वाला है, मतलब दे हैव वन ईयर। बट यहाँ पे आप देखो कि आपको बैंकिंग एग्जाम के लिए इतना जानना है, डोंट गेट डीप इनटू RBI गाइडलाइंस। RBI गाइडलाइंस तो सिर्फ RBI एंड SEBI एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? बाकी RBI गाइडलाइंस डीप में यूजुअली नहीं पूछा जाता है। सो आप अपना जो मतलब इसके रिलेटेड पढ़ाई है यहाँ तक लिमिट रखो। देखो फिर से मैं रिपीट कर दूँ, इट्स गवर्नमेंट ओन, तो आपको एग्जाम में ना ट्रिक किया जा सकता है, ठीक है, कि ओन कौन करता है उन NBFCs को जिन्हें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में लाया जा रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं बता दूँ, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है? देखो इट इज़ ए सेट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स बाय द RBI, राइट? बैंक अगर गाइडलाइंस या कुछ बैंक्स के जो NPA नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं हो पाता है तो RBI उन्हें PCA फ्रेमवर्क के अंदर डाल देता है। तो PCA फ्रेमवर्क के अंडर में उन्हें सबसे पहले अपने फाइनेंशियल्स को सुधार करना पड़ता है, ओनली देन दे आर अलाउड टू डू सर्टेन थिंग्स। एंड व्हेन दी बैंक्स आर पुट, जब ये बैंक्स को PCA फ्रेमवर्क के अंदर में रखा जाता है बाई RBI, दे कैनॉट हायर, दे कैनॉट ओपन एनी न्यू ब्रांच, सो देर आर मल्टीपल यू नो स्टॉपेज। वाई? बिकॉज RBI वॉन्ट्स देम टू फोकस कम्प्लीटली ऑन क्लियरिंग दी यू नो प्रॉब्लम्स दैट RBI हैज़ आइडेंटिफाइड, राइट? तो प्रॉम्प्ट कलेक्टिव एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू नो रेगुलेटर लाइक RBI, विच एक्चुअली करेक्ट्स दी सिस्टम। तो ये भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी एक्सटेंड किया जा रहा है। आपको डेट के बारे में भी पूछ सकते हैं, इट इज़ अक्टूबर 2024, ये आपको ध्यान देना है। पढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ अमेंडेड इनकम टैक्स रूल। तो देखो इसका मैं आपको ना एक बैकग्राउंड दूँ, जो IFSC गिफ्ट सिटी है गांधीनगर गुजरात में, वहाँ पे अभी हाल ही के कुछ एक महीने में आपने बहुत सारा ऐसा न्यूज़ पढ़ा है जहाँ पे सेंट्रल बैंक CBDT, राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, तो इन्होंने बहुत सारे रूल्स में चेंज किया एंड मोस्ट ऑफ देम सेज कि IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात में नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज को टैक्स नहीं लगेगा। कंपनीज को तो नहीं लगता है, इवन दे डोंट हैव टू पे GST व्हेन दे ओपन ए बिजनेस इन गिफ्ट सिटी गुजरात। तो वही उसका यू नो अट्रैक्टिव पॉइंट है। द गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप गिफ्ट सिटी एज द फाइनेंशियल हब, एन ऑफशोर फाइनेंशियल हब, राइट?
तो फाइनेंशियल हब्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑफशोर फाइनेंशियल हब सिर्फ एक ही है हमारे पास, वो कि गांधीनगर गुजरात में। तो देखो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एकदम बात क्लियर कर दिया, क्योंकि अभी नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज़ को बैंक अकाउंट खोलने के लिए IFSCA में टैक्स उन्हें पे नहीं करना पड़ता है, तो इसका मतलब उन्हें पैन देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सीधा सीधा एक डिक्लेरेशन फाइल करना है टैक्स इट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये रूल्स में ही चेंज कर दिया है सो दैट देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट। देखो टैक्स नहीं है तो पैन का कोई मतलब नहीं है, राइट? लेकिन अगर रूल बोलता है कि सबमिट करना है तो उन्हें करना है। सो दिस इज़ एक्चुअली एडिंग इन हर्डल, राइट, इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इस हर्डल को हटाया गया बाई अमेंडिंग दी रूल्स। आई होप ये बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया है। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय सेबी। देखो अभी कुछ महीने पहले आपने देखा था सेबी ने एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम स्कोस लॉन्च किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो जब कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम होगा, एक वेबसाइट होगा एक रेगुलेटर का, पीपल विल पुट द कंप्लेन। तो सेबी ने अभी बताया है कि 3,705 कंप्लेन अगेंस्ट कंपनी एंड मार्केट इंटरमीडिएट्स टू इट्स ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम इन सेप्टेम्बर। सिर्फ सेप्टेम्बर में 3,700 अप्रॉक्सीमेटली कंप्लेन सेबी को रिसीव हुए हैं, राइट? सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को समझना। देखो इससे पहले भी ये कंप्लेंस जब रेज हुए हैं, मान के चलो इसमें से अगर आप 50% भी वैलिड मानते हो तो इट्स मोर देन 1500, 1700 के आसपास का है। तो सोचो 1700 कंप्लेंस अगर जेन्युइन हैं तो ये रेगुलेटर तक पहले नहीं पहुंचते थे, या ईमेल के थ्रू, ट्वीट के थ्रू, मल्टीपल सोशल मीडियाज़ के थ्रू 10% ही पहुँच पाता था। दोज़ हू आर अवेयर, दोज़ हू नो अबाउट इट, राइट? इवन यू नो आई वुड लाइक टू टेल दैट एज वेल कि इवन विद द स्कोस प्लेटफॉर्म अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता ही नहीं है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इस चीज़ का अवेयरनेस लोगों को पता चले, पीपल यूजेज इट मोर सो दैट सिस्टम रोबस्ट हो पाए। यहाँ पे देखो सेबी को बहुत सारे जेन्युइन कंप्लेंट्स एंड इनजेन्युइन भी गए होंगे, जो इनजेन्युइन गया है उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बट जो जेन्युइन गया है उससे अगर सेबी कुछ चीज़ों को, क्योंकि दिस इज़ डायरेक्ट फीडबैक, राइट? डायरेक्ट फीडबैक किसके अगेंस्ट में? कंपनीज के एक्शंस के अगेंस्ट में, मार्केट इंटरमीडिएट्स के फंक्शनिंग्स के अगेंस्ट में, राइट? सो दे कैन चेंज सम रूल्स विच विल अगेन मेक द सिस्टम रोबस्ट एंड विल हेल्प इवेंचुअली पीपल, राइट? तो ये था न्यूज़। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, दैट इज़ IRDAI। IRDAI ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। देखो IRDAI ने बीमा वाहक, राइट, बीमा वाहक, ये नाम आप अभी याद कर लो, इवन आई वुड से यू शुड रिपीट दिस 5 times राइट नाउ, बीमा वाहक्स। इन्होंने हर ग्राम पंचायत में मैंडेटरी कर दिया है, मतलब मैंडेटरी कर दिया मतलब दे आर गोइंग टू डिप्लॉय, सिंपल बात है, बिफोर 31st December 2024। एक साल से भी ज़्यादा का समय है। देखो एवरी ग्राम पंचायत मतलब ये tier 3 पे जाके डिप्लॉय करने वाली है, एंड अगेन दिस इज़ गोना टेक टाइम बिकॉज देर आर सो मेनी ग्राम पंचायत इन द कंट्री, राइट? तो सेबी ने ये गाइडलाइन दिया है। अभी बीमा वाहक का काम क्या रहेगा? देखो एक बेसिक सा अगर आइडिया लो, बीमा वाहक का काम यही रहेगा दैट दे वुड हेल्प पीपल अंडरस्टैंड इंश्योरेंस, इवेंचुअली इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाया जाए। बिकॉज देखो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू PMJDY, मतलब डोंट टेक इट रॉन्ग, PMJDY इज़ अबाउट ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, राइट? लेकिन बीमा वाहक इज़ अबाउट इंश्योरेंस। आई एम जस्ट कोरिलेटिंग फैक्ट ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जब लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था तब गवर्नमेंट ने PMJDY लॉन्च किया एंड सब बैंकों को ये इंस्ट्रक्ट किया कि आप PMJDY के तहत में लोगों को बैंक अकाउंट दीजिए एंड बैंक अकाउंट खोलिए, राइट? दिस वॉज द थिंग दैट वॉज गिवेन। तो अब देखो उसी तरीके से बीमा वाहक जब हर ग्राम पंचायत में डिप्लॉयड होंगे, मतलब पीपल विल गेट टू नो अबाउट द इंश्योरेंस, पीपल विल गेट टू लर्न दैट थिंग फ्रॉम द लोकल पीपल। बिकॉज होता क्या है, ग्राम पंचायत में पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंश्योरेंस, क्योंकि देखो कई इंश्योरेंस लाइक टर्म इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें आप पैसा देते हो, आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलता, राइट? बट एज एन यू नो स्टूडेंट, एज ए फैकल्टी, एज समबडी हु अंडरस्टैंड ए लिटिल बिट ऑफ इंश्योरेंस, हमें ये समझ में आता है टर्म इंश्योरेंस गिव्स अस द यू नो रिस्क अगेंस्ट आवर लाइफ, ठीक है? आप 400
500 या 400 से 1000 के बीच में यू कैन टेक 50 लाख टू 1 करोड़ का इंश्योरेंस। अब देखो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, इट्स अ बिग फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर दी फैमिली, फॉर द डिपेंडेंट। लेकिन ये सेम चीज गांव वालों को इन दैट लेवल, ग्राम पंचायत लेवल पे लोगों को समझ में नहीं आता। व्हेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड इवन इफ दे ट्राई टू एक्सप्लेन, वो समझना नहीं चाहते बिकॉज उन्हें ऐसा डर लगता है कि हम ये पैसा देंगे ये पैसा कोई पटाएगा नहीं, ये पैसा वो खा जाएंगे। लेकिन बीमा बाहक क्योंकि वो लोकल लोग होंगे, वो जब बताएंगे ना पीपल विल हैव ट्रस्ट, पीपल कैन इवन सी दे मे ऑल्सो थिंक ये भाग के कहाँ जाएगा, ये तो अपने गाँव का है, मतलब कहीं पैसा लेके गया तो उसके घर में जाके हम लेके आएंगे पैसा, समथिंग लाइक दैट। सो इवेंचुअली दिस इज गोना हेल्प ए बिट इन मोर इंश्योरेंस इंक्लूजन, राइट? सो दैट वॉज द न्यूज़। आपको क्या पूछा जा सकता है? डेट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऐप है, राइट, जैसे देखो SBI का योनो है विच इज़ वेरी फेमस, वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB वर्ल्ड है। जिनके पास बैंक अकाउंट है यू मे नो इट, एल्स यू माइट हैव सीन इट इन दी गूगल प्ले स्टोर एंड iOS ऐप स्टोर। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ने सीधा सीधा बोल दिया बैंक ऑफ बड़ौदा को कि सबसे पहले आपके ऐप में जो ग्लिच है उसको सही कीजिए, और जब तक आपको सही कर रहे हो तब तक किसी भी नए कस्टमर्स को BOB वर्ल्ड में मत लाइए, यू कैन नॉट ऑन बोर्ड। RBI ने बोल दिया बैंक ऑफ बड़ौदा को कि आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते इन बैंक ऑफ BOB वर्ल्ड में विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है? तो इससे हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ ख़त्म होता है। बढ़ते हैं हम न्यूज़ फ्रॉम PIB में। जो सबसे पहला न्यूज़ है वो है आई थिंक लॉजिस्टिक ने किसके साथ पार्टनर किया है? इंडिया पोस्ट के साथ पार्टनर किया है। क्यों? टू ब्रिंग बेनिफिट्स टू डायरेक्ट टू कस्टमर स्टार्टअप एंड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस अक्रॉस इंडिया, राइट? तो सिंपल न्यूज़ है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है, ये MOU आप देख लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, द RSE हैज साइंड एन MOU विद नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NICSI अंडर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स NIC फॉर वेरियस इन्फॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। सिंपल से न्यूज़ है, राइट? जो RSE है इन्होंने NIC के साथ MOU किया। क्यों इन्होंने किया है? क्योंकि उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, ये सारे चीज़ों का एक्सेस चाहिए। इट्स दैट सिंपल। अगेन एन MOU, यहाँ पे जो MOU है दिस इज रिलेटेड टू यू नो स्किल्स। यहाँ पे देखो पूसा कृषि एंड आयकर, इन्होंने एक MOU किया, राइट? एंड जो IIT कानपुर का स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर है उनके साथ, करेक्ट? अब इससे होगा क्या? बोथ साइड विल प्रोवाइड वाइटल सपोर्ट टू इनक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप फॉस्टरिंग देयर ग्रोथ एंड सक्सेस। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर साइड पे हैं, राइट? एग्री सेक्टर्स पे हैं, बट दे डोंट नो मैनी थिंग। तो उन्हें कौन हेल्प करेगा? स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर एंटरप्रेन्योर हेल्प करेगा। अब बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो एग्री साइड में बिजनेस कर रहे हैं बट दे हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ यू नो ऑफ द ओवरऑल एग्रीकल्चर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्टार्टअप किसी ने कर लिया उसे तो उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं। नो, सी द वाइडर स्कोप ऑफ एनी सब्जेक्ट इज़ वेरी बिग, राइट? लेकिन पूसा कृषि आयकर जैसे इंस्टीट्यूट चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, दे विल हेल्प देम, राइट? सो इट्स वुड बी द हेल्प फ्रॉम बोथ साइड। आई होप दिस इज क्लियर। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLSF। देखो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये NSO रिलीज करता है, राइट? ये वही ऑर्गेनाइजेशन है MOSPI के अंडर में जो इन्फ्लेशन डेटा भी देती है। ये हर महीने अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज करती है। जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये डिक्लाइन किया है 2.4 एंड 5.4% से। रूरल में 2.4, अर्बन में 5.4% से डिक्लाइन किया है, ठीक है? फ्रॉम 3.2 एंड 6.3% रेस्पेक्टिवली। पहले 3.2 था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अब ये कितना हुआ? 2.4, राइट? तो ये आपको समझना है, राइट? चलो नेक्स्ट न्यूज़ जो है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो फिलीपींस मनीला बेस्ड है, इन्होंने 200 मिलियन का लोन दिया है किसे? आसाम को। किस लिए? ताकि वो अपना फ्लड एंड रिवर बैंक इरोशन का रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर सके।
देखो ब्रह्मपुत्र रिवर एक ऐसा रिवर है जो हर साल फ्लड इसमें आता ही है, एंड देर इज़ वन मोर रीज़न फॉर द फ्लड, इट्स द जियोग्राफिक लोकेशन। ठीक है, चाइना जब पानी छोड़ता है तो वो ब्रह्मपुत्र में आके बहता है, राइट, एंड दैट इज़ द रीज़न ब्रह्मपुत्र यहाँ पे फ्लड मचा देता है, मतलब फ्लड हो जाता है पानी बढ़ जाने की वजह से। सो बट दैट कैन बी यू नो मिटिगेटेड बाई सम एक्टिविटी, तो ये वही एक्टिविटी है। ठीक है, टू स्ट्रेंथन फ्लड एंड रिवर बैंक इरोशन रिस्क मैनेजमेंट अलॉन्ग द 650 किलोमीटर लॉन्ग मेन स्टेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने एक MOU किया फॉर ग्रिड इंटरकनेक्शन, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन एंड द सप्लाई चेन फॉर द सेम। सिंपल बात है, ग्रिड इंटरकनेक्शन मतलब जो बिजली आपके घर में ग्रिड के थ्रू सप्लाई हो रहा है वही बिजली का नेटवर्क, मतलब उसी ग्रिड को सऊदी अरेबिया के ग्रिड से जोड़ा जाएगा, सऊदी अरेबिया इंडिया के ग्रिड से जोड़ेगा। रीज़न क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, कभी कभी वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो हम सप्लाई उन्हें कर दी, या वहाँ पे कुछ इमरजेंसी है तो हम सप्लाई ज़्यादा कर दी, कभी हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है हमें ज़रूरत है तो हम सप्लाई किए, मतलब देर इज़ नो वन ऑब्जेक्टिव सेट, राइट, मतलब इट इज़ वेरी मच क्लियर कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग पीक टाइम एंड एमरजेंसीज, को डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, को डेवलपमेंट ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये सारा ऑब्जेक्टिव है। तो कौन है? इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ए न्यू स्कीम कॉल्ड श्रेष्ठा। ठीक, रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर बॉयज़ इन हाई स्कूल। इसमें 3,000 बच्चे हर साल एक्सपेक्टेड है कि क्लास 9 से लेके क्लास 11 तक एडमिशन ले। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग सीट्स फॉर द मेरिटेरियस SC बॉयज एंड गर्ल्स इन द बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल इन द कंट्री। तो ये श्रेष्ठा जो है, ठीक है, SC बॉयज एंड गर्ल्स के लिए स्कीम्स है ताकि उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट, लेकिन मेरिटेरियस बच्चे ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिल पाए, सो दैट दे कैन कम्प्लीट देयर स्टडीज इन ए मच बेटर वे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ए हेल्प लॉन्च किया है। ए हेल्प क्या है? एग्रीगेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवलीहुड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ झारखंड। कहाँ पे लॉन्च किया है? झारखंड में। ठीक, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट जो है, 3 इंडिजीनियस प्रोडक्ट कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। इसको GI टैग मिला है। क्या क्या? याक चुरपी, खमता राइस, तंगसा टेक्सटाइल, राइट। तो ये 3 चीज़ आपको याद करना होगा, आपको ये भी याद करना होगा कि अरुणाचल प्रदेश का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट PIB में, तो देखो नेक्स्ट जो है, ये गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको और मुझे ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड लाइक हमें क्या मिलेगा? एक स्कोर मिलेगा। अब ये स्कोर किस चीज़ पे मिलेगा? देखो गवर्नमेंट ने इसमें 8 टाइप के एक्टिविटीज़ को रखा है, राइट, लेकिन ये एक्टिविटीज़ हम जो कर रहे हैं ये हमें ही एक वेबसाइट में जाके अपलोड करना होगा, एक एजेंसी को गवर्नमेंट एंगेज करेगी सो दैट दे कैन वेरीफाई इट वेदर वी आर यू नो जेन्युइनली डूइंग इट और नॉट। बेस्ड ऑन दैट द गवर्नमेंट विल गिव द सर्टिफिकेट एंड ए क्रेडिट, राइट, मतलब एक क्रेडिट मिलेगा, वो बढ़ेगा, आप जैसे जैसे काम करोगे वो बढ़ेगा। अब ये जो 8 टाइप के एक्टिविटीज़ है इसमें बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ट्री प्लांटेशन हो सकता है, वाटर मैनेजमेंट हो सकता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सकता है, राइट। तो ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़, इसमें हमारा न्यूज़ फ्रॉम PIB ख़त्म होता है। अब डिफेंस न्यूज़ देखते हैं, जो सबसे पहला न्यूज़ है, द 3rd बटालियन ऑफ द नागा रेजिमेंट 3 नागा गॉट प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड फ्रॉम आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। किसे मिला? 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट, तो इसे आपको याद करना होगा, इन्हें प्रेसिडेंट्स कलर मिला फ्रॉम आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट इज जो 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म, इसे किसे लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। बेसिकली देखो, दिस इज अ वेरी इनोवेटिव अप्रोच टू यू नो इवेल्युएट द ह्यूमन बींग इन द सिस्टम। सिंपल बात है, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी तभी बढ़ेगा जब वहाँ के लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी को मापने का तरीका ही उन्होंने नया अडॉप्ट किया, दैट इज 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म, राइट, ऑल्दो इट्स अ गवर्नमेंट यू नो इंस्टीट्यूट यू कैन से,
इंडियन नेवी, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स यू नो इट्स इट्स बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन. सो चलो अब देखते हैं हम कुछ अपॉइंटमेंट्स. तो देखो, नॉट ऑल अपॉइंटमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, बट येस दिस इज़ द वन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे SBI के जो करेंट चेयरमैन है मिस्टर दिनेश खाड़ा, इन्हें गवर्नमेंट ने अगले साल तक का एक्सटेंशन दे दिया है. राइट, क्या दे दिया है? एक्सटेंशन. नाउ हिज टर्म वुड एंड इन द नेक्स्ट ईयर. तो वैसे ही दूसरा न्यूज़ है, डॉक्टर विजय कुमार मोहंती, इनको रोल ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इल्डा. देन MS रेणुका गेरा, इन्होंने क्या, एज ए डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग एंड मैनुफैक्चरिंग एंटरप्राइज, सी इज़ द फर्स्ट वुमेन एम्प्लॉय ऑफ भेल टू रीच द लेवल ऑफ डायरेक्टर. राइट, तो इसीलिए देखो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनता है. रेणुका गेरा ये पहली वुमेन एम्प्लॉय है भेल की जो डायरेक्टर लेवल तक पहुँची है. देन द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड नवनीत मुनोत द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी एज द चेयरमैन ड्यूरिंग ए बोर्ड मीटिंग. राइट, चलो इससे हमारा अपॉइंटमेंट ख़त्म होता है. देखते हैं हम कुछ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में सबसे पहले इंडियन नेशनल ओलंपिक कमिटी एंड रिलायंस फाउंडेशन, इन्होंने क्या बताया कि दे बोथ विल वर्क टुगेदर. दे हैड मेड एन एग्रीमेंट एक्चुअली, जहाँ पे दोनों मिलके ये काम करेगी कि जो ओलंपिक्स के वैल्यू है थ्रू स्पोर्ट्स, ये मुंबई रीजन के जो बच्चे हैं उन्हें पहले सिखाया जाएगा, मुंबई स्लम एंड प्रॉपर मुंबई. उसके बाद इसे धीरे धीरे महाराष्ट्र में एक्सटेंड किया जाएगा. राइट, दिस वॉज द न्यूज़ ऑल अबाउट. उसके बाद इंडिया ने 19th एशियन गेम जो चाइना में रिसेंटली कंक्लूडेड हुआ, वहाँ पे 107 मेडल जीता. कितना? ये अब तक का सबसे ज़्यादा मेडल है, इसे आपको याद रखना होगा, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 क्या है, ब्रोंज है. तीसरा न्यूज़ देखते हैं, इंडिया टॉप मैन डबल पेयर स्वस्तिकराज रैंकरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, यू नो ये वर्ल्ड के फर्स्ट रैंकिंग इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग इन्हें मिला है. राइट, तो ये आपको ध्यान देना होगा. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कुछ स्पोर्ट्स में, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट 141th इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन ऑन 14th अक्टूबर 2023 एट जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई. तो देखो ये विल वाले जो न्यूज़ होते हैं ना, वो डे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी उसके बाद ना दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. मतलब आप पढ़ते वक्त तो देखो, आप जब डेली पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा, बाद में वट यू कैन डू सिंपली इज यू कैन सिंपली यू नो पुट लेस एनर्जी इन रिविजन, सिंपल. उसके बाद केनिया के केविन किप्टम सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड टू विन चिकागो मैराथन मेन्स टाइटल इन अनऑफिशियल टाइम ऑफ 2 hours and 35 seconds. राइट, चलो इससे हमारा स्पोर्ट्स खत्म होता है. बढ़ते हैं हम मिसेलेनियस की तरफ. सबसे पहला जो मिसेलेनियस न्यूज़ है वो देखेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक डेटा निकाला है जो कि मंथली डेटा है, हर मंथ वो निकालती है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का डेटा. ये 34.47 billion से नीचे गिर गया है. राइट, पिछले सितंबर में देखेंगे तो उससे ये 34.47 billion गिर गया है. ठीक, पिछले सितंबर में कितना था डॉलर? 35.4 billion था. इस बार कितना हुआ? 34.47 billion हुआ. मतलब हम गिर गए हैं. राइट, जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है. उसके बाद फेडरल बैंक ने एक UPI इंटीग्रेशन फॉर NRI क्लाइंट्स किया है फेड मोबाइल में. राइट, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि फेड मोबाइल नाम से इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट ये फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है. बट आपको अगर ये पूछ ले कि ये किस क्लाइंट्स के लिए है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बिकॉज आपको ऐसे ऑप्शंस में रह सकता है NRI क्लाइंट, NRO अकाउंट, इंडियन कस्टमर्स, कॉरपोरेट कस्टमर्स, राइट एंड सो ऑन. तो आपको जवाब देना होगा NRI क्लाइंट्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ मिसेलिनियस में, जो सबसे पहला है टू एम्पावर द रिटेलर कम्युनिटी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश. NSDC जो है ये कोको कोला के साथ पार्टनर किया है टू लॉन्च द सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम अंडर द स्किल इंडिया मिशन. राइट, कहाँ कहाँ पे? उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश ने, राइट यहाँ पे NSDC ने कोको कोला के साथ किया है ताकि यहाँ के लोगों को वो स्किल्स दिया जाए. राइट, रिटेल स्किल्स. देन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थ्रेट एंड अनऑथराइज एक्सेस
एक्सिस बैंक ने क्या किया, एक्सिस बैंक ने वेरी सॉरी ये कट गया, एक्सिस बैंक एंड द फिनटेक फर्म फाइव ये दोनों ने मिलके इंडिया का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। क्रेडिट कार्ड में नंबर ही नहीं है तो चोरी किस बात का होगा, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कार्ड विल नॉट डिस्प्ले एनी क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर। द फाइव एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इज पावर्ड बाय रुपए एंड अलाउ कस्टमर टू लिंक देयर क्रेडिट कार्ड इन द यूपीआई। जो आरबीआई हाल ही के दिनों में रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई नेटवर्क में ऐड करने की इजाज़त दे रहा है वो भी कर सकते हैं कस्टमर्स। यहाँ पे जो कार्ड है उसमें कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट और सीवीवी ये सारा चीज़ नहीं दिख रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में रैंकिंग 111 आउट ऑफ 125 हुआ, राइट? पहले कितना था, 107 इन 2022 था, अभी 111 हो गया, राइट? बाकी देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो डिटेल्स है वो आपके रिजर्व बैंक या नबार्ड एग्ज़ाम में जो ESI पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी बैंकिंग एग्ज़ाम में आप इतना पढ़ लोगे तो काफ़ी है, डोंट गेट यू नो डीप इनटू इट, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद 361 वेल्थ हुन इंडियाज रिच रिपोर्ट में द नंबर ऑफ इंडियंस नेटवर्थ वॉज ओवर 1000 क्रोर्स क्रॉस 1300 मार्क इन 23, राइट? 1000 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्क वाले लोग 1300 से भी ज़्यादा हैं इंडिया में, राइट? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं, मुंबई में हैं, फिर कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली में हैं, फिर कहाँ हैं, बेंगलुरु में हैं, राइट? सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। ऑपरेशन अजय क्या है, जहाँ पे इसराइल में जो लोग फंसे हुए हैं इंडियंस उन्हें निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है वो ऑपरेशन अजय नाम है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं ही हैज़ डिक्लेयर्ड जिंजैटिक डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वाटिक एनिमल एंड एम्फसाइज द नीड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स। क्या है, जिंजैटिक डॉल्फिन्स, राइट? उसके बाद जो महाराष्ट्र की सरकार है ये लेक लड़की योजना उन्होंने अप्रूव किया है फॉर फैमिलीज विथ एनुअल इनकम अप टू ₹1,00,000। ये सारा वो अलग अलग जो पे करेगी, यहाँ पे आप उसे जब आप डाउनलोड करोगे PDF उसे आप पढ़ सकते हो। बाकी तो PDF अगर नहीं भी करोगे तो यू कैन रीड दिस थिंग्स इन दी Wikipedia, ठीक है? नोबेल प्राइज इस बार किसे मिला इकोनॉमिक्स में, कलाइडो गोल्डिन, ठीक है? किस लिए मिला इन्हें, जेंडर गैप इन द लेबर मार्केट इनके स्टडीज़ करने के लिए मिला, राइट? विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट सेट ऑफ न्यूज़, दैट इज तमिल जो राइटर हैं शिवा संस्कारी, इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 का अवार्ड मिला है फॉर हर बुक्स मेमोरिया सूर्या वसना। ये आपको याद करना है बिकॉज समटाइम्स बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही आपका ये न्यूज़ है, द साहित्य अकेडमी ने जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2022 इन मणिपुर लैंग्वेज टू दिलीप, ये उन्होंने बुक की वजह से दिया है। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग, ऑलवेज रिमेंबर IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर। मिलते हैं अगले वीक फिर किसी एक नए वीडियो के साथ।